हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस, जिसके आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज हम ब्लूप्रिंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको सारे का सारा मैटर मिलता रहे। तो अपने जो टॉपिक का नाम है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ब्लूप्रिंट। क्या नाम है? ब्लूप्रिंट, जो कि आपके बीएड के अंदर बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हर बार काम भी आता है। इसका नाम क्या है? ब्लूप्रिंट। अब हम चलते हैं इसके बाद में, क्या इस टॉपिक के अंदर है पूरी कहानी को हम समझेंगे। लास्ट तक आप चैनल पे बने रहें, वीडियो में बने रहें, ताकि आपको मैटर मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसके बीच में आपको 3 से 4 सारणियां बनानी होती हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट की जो सारणी है वो 3 से 4 सारणियां। कौन कौन सी है? सबसे पहले अपने वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक जो पहले सबसे बड़ी सारणी है उसके ऊपर से अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि 3 से 4 सारणियां बनानी है। यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो ये बड़ी सारणी है, ठीक है, ये बड़ी सारणी है जिसके बीच में अपने पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइंस खींची हैं, समझते रहे, आपको बस समझने की देरी है। ये आप ये मत देखें कि ड्राइंग कैसी बन रही है, ड्राइंग से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गई पहली लाइन ऊपर की। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या क्या लिखना है वो सुन दो। सबसे पहले यहाँ पे तो आप लिखोगे उद्देश्य। उद्देश्य कौन कौन से हैं? ठीक है, उद्देश्य के बाद यहाँ पे लिखोगे आप इकाई, लिख सकते हो उद्देश्य के बाद यहाँ पे इकाई। उद्देश्य का निशान लगा दोगे इस तरह से, इकाई का निशान लगा दोगे इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, और इधर आपकी क्या आ जाएगी? क्रम संख्या आ जाएगी। क्रम संख्या, क्रय और सै लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्रम संख्या, एक नंबर क्रम संख्या, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, इस तरह से अपने करने वाले हैं। तो उद्देश्य इस साइड में लिखने हैं, तो सबसे पहले अपने उद्देश्य ले लिया ज्ञानात्मक। कौन सा ले लिया? ज्ञानात्मक। क्लियरिटी फुल कर लेना तभी आपको दिखाई देगा। और दूसरा ले लिया अपनों ने अवबोधात्मक। उसके बाद में अपनों ने ले लिया एक कौशलात्मक या कौशल। ठीक है, तीन ही अपने ले रहे हैं, चार लेना चाहे तो आप चार भी ले सकते हैं, इसके बीच में कोई भी उद्देश्य ले सकते हैं। और यहाँ पे अपने करेंगे टोटल, एक यहाँ पे टोटल होगा और एक यहाँ पे लास्ट में टोटल होगा। ठीक है, मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जो क्रम संख्या मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है वो सुनते रहना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, किसी को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसे कि अपनों ने चार पार्ट पढ़ाने हैं, ठीक है, या अपने इसके बीच में ये भी कर सकते हैं कि पहले पार्ट से, मतलब कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक, और इसमें ले लिए लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 6 तक के जो हम टॉपिक्स लेंगे वो इसके बीच में, या चैप्टर लेंगे वो इसके बीच में होंगे। लेसन नंबर 7 से लेकर लेसन नंबर 10 तक, और लेसन नंबर 11 से लेकर लेसन नंबर 12 तक। तो इसके बीच में आप पाठों के नाम भी लिख सकते हैं, जो भी पाठ है उसका नाम भी लिख सकते हैं, और लेसन भी बता सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के अंदर हमने कितने नंबर के क्या मैटर लिए हैं। अब आ जाती है पहले टॉपिक की बात। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, वेट ए मिनट, पहले मैं आपको ना इसका तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पे ना ये मैं इसको एक बार मिटो रहा हूँ, ये लाइंस मैंने मिटो दिया। अब एक एक करके मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप सुनते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता लगे आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिखनी होगी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो ज्ञानात्मक मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं एक ही कॉलम के अंदर बता रहा हूँ, ताकि उसको आगे भी मैंने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना वो देखते रहना आप। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से एक और लाइन आएगी। ठीक है, हर कॉलम के चार पार्ट्स होंगे, एक कॉलम का दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स और चार पार्ट्स। वेट ए मिनट, मैं आपको बड़े तरीके से करके दिखाता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना आए।
इसकी एक ये पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। मतलब कि एक जो भी आप यहाँ पे जैसे उद्देश्य एक ज्ञानात्मक ले रहे हो, तो उस ज्ञानात्मक के आपको चार पार्ट्स करने हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ। ये तो मैंने सिर्फ एक ही लिया है। आपको क्या है, ज्ञानात्मक, अवधात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्ति कोई भी लेने हैं, उस तरीके से बनाने हैं। ये मैं सिर्फ एक कॉलम की बता रहा हूँ कि एक कॉलम के अंदर आप किस तरह से कवर करोगे। अब इसके बीच में जाए, सबसे पहले आप ले रहे हो छोटे क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, अति लघु उत्तरात्मक। क्या नाम है? अति लघु उत्तरात्मक। फिर है लघु उत्तरात्मक, फिर है निबंधात्मक, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, आप चाहो तो जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपकी नंबरिंग सही होनी चाहिए कि जो नंबर है उसके हिसाब से देना, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक है वो एक क्वेश्चन दो नंबर का है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, एक क्वेश्चन दो नंबर का है। अति लघु जो है वो आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का है, और निबंधात्मक जो है आपका वो एक क्वेश्चन चार नंबर का है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो गए। अब अपने को मान लीजिए कि अपनों ने क्वेश्चनों की संख्या लेनी है 25, ठीक है। इसकी जो सारणी बनेगी वो मैं आपको इसके साथ वीडियो एक और आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने क्वेश्चनों की संख्या लेनी है। एक बार मान लीजिए कि आपने क्वेश्चनों की संख्या लेनी है 25, ठीक है। 25 के अंदर आपने 10 क्वेश्चन लेने हैं लघु उत्तरात्मक, ठीक है, 10, और 10 क्वेश्चन आपने लेने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, दो लेने हैं आपने अति लघु उत्तरात्मक, और तीन लेने आपने निबंधात्मक, ठीक है, तीन निबंधात्मक लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये एक ज्ञानात्मक हो गया, उसके बाद में अवबोधात्मक, और उसके अलावा कौशलात्मक, इस तरह से आपने लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लघु उत्तरात्मक लिया, तो अगर मैं यहाँ पे चार उद्देश्य ले लेता हूँ, कोई भी चार उद्देश्य ले लेता हूँ, तो उसके बीच में मैं चारों के अंदर जैसे तीन, किसी में तीन क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक दे दिए, किसी में दो दे दिए, किसी में तीन दे दिए, इस तरह से अपने को क्या है हर उद्देश्य के हिसाब से, मतलब कि सारे उद्देश्यों के अंदर जरूरी नहीं है कि आप लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन दो, जरूरी नहीं है कि सब में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दो। ये याद रखना है कि अपने को ये सारे क्वेश्चनों को पूरा करना है, कंप्लीट करना है कि 25 के 25 हो जाए और इनके नंबर भी सही बने, ठीक है। जैसे 10 10 ये नंबर, 10 ये क्वेश्चन हो गए, 10 और दो क्वेश्चन ये है, जैसे 10 और 2 12, 12 और 20 32, 32 और 12, 44 नंबरों का अपना ये पेपर हो गया, ठीक है। 44 नंबर हैं इसके बीच में, और क्वेश्चन कितने हो गए अपने 25, 25 क्वेश्चन है और 44 अंक है। अब यहाँ पे इसी तरह से अपने को चारों बनानी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक और नोट लगा के आप बात लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में है आपकी प्रश्नों के कुल अंक, ठीक है, प्रश्नों के कुल अंक याद रखना, ब्रैकेट में है प्रश्नों के कुल अंक, और बाहर क्या है, बाहर कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, कुल प्रश्न संख्या, ये चीज मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में प्रश्नों के कुल अंक, बाहर कुल प्रश्न संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया तीन, तीन ये क्या है, तीन ही अपने हैं कुल प्रश्न संख्या, तीन है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर मैं अंक पता कितने लिखूंगा, कुल अंक लिखूंगा, कुल अंक कितने हैं, तीन, तीन प्रश्न है, एक एक नंबर के तीन नंबर हो गए, ठीक है। फिर मैंने लघु उत्तरात्मक लिया, लघु उत्तरात्मक जैसे मैंने ले लिया दो, ठीक है, दो लघु उत्तरात्मक ले लिए, दो दो नंबर के हैं, तो अंदर मैं लिख दूंगा चार, ठीक है। क्यों, दो क्वेश्चन बाहर टोटल बता दिए, दो क्वेश्चन है, और अंदर मैंने दोनों के टोटल नंबर जोड़ के लिख दिया कि चार नंबर है। फिर मैंने जैसे एक निबंधात्मक ले लिया, यहाँ पे एक निबंधात्मक ले लिया, जैसे कि एक निबंधात्मक कितने नंबर का, चार नंबर का, तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे दो निबंधात्मक लेता हूँ तो यहाँ पे मैं आठ कर दूंगा,
अगर 3 लेता हूं तो 12 कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद में जैसे वस्तुनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ के अंदर भी मैंने ऐसे किया, वस्तुनिष्ठ के अंदर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एक नंबर का, अगर मैं 4 क्वेश्चन लूंगा तो वो 4 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से आपको देखते चलना है। और लास्ट में क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए ज्ञानात्मक को आपने कितने नंबरों का रखना है, इसकी एक और सारणी बनेगी। तभी मैंने आपको कहा कि 4 सारणियां बनेगी। सबसे पहली जो सारणी बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी, मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सारणी बनानी है। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपने कैसे करना है। अब देखिए आपकी सबसे पहली जो सारणी बनेगी वो कौन सी है, सबसे पहली सारणी है आपकी कि आपने कौन कौन सी इकाइयां ली हैं। ठीक है, इकाइयों की सारणी, कौन कौन सी इकाइयां ली हैं और इसके इकाइयों के अंक, कि कौन सी इकाई कितने अंक की है, एक सारणी होगी। दूसरी सारणी के अंदर आपने क्या लेना है कि जो भी उद्देश्य हैं वो कितने कितने अंक के हैं, उद्देश्य और उनका अंक बार। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य कितने अंक बार के हैं। तीसरी सारणी आपकी होगी प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार का मतलब यह है कि जैसे अति लघु उत्तरात्मक कितने नंबर के टोटल होने चाहिए, निबंधात्मक कितने नंबर के होने चाहिए, उसकी सारणी होगी। तो एक सारणी, दो सारणी और ये 3 सारणी होगी। चौथी सारणी आपकी सबसे बड़ी है, बड़ी सारणी जिसके बीच में आपको सारा का सारा सेट करना है, इनको इनके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कंप्लीट। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। और भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज है, उसमें ब्लूप्रिंट के बारे में अगर आपको सीधी सीधी वीडियो चाहिए तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं, वहां पे पूरा का पूरा बना बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाहता था कि ब्लूप्रिंट को आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।